नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मीना। आज आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बना रहे हैं सवैयां, जो सबको बहुत पसंद आती हैं। जब हम सवैयां बनाते हैं तो दूध में सवैयां को पकाते हैं, एक तरह खीर की तरह ही बनाते हैं। लेकिन आज जो हम बना रहे हैं वो कुछ हटके हैं, जो दिखने में तो एकदम मस्त होंगी ही, साथ में बाहर से क्रिस्पी होंगी और अंदर से होंगी क्रीमी। तो चलिए, आप अपने मेहमानों के लिए बनाइए और खूब सारी तारीफ पाइए। तो चलिए अभी हम बनाते हैं स्पेशल सवैयां। सबसे पहले हम एक पैन लेते हैं और उसमें 1/4 कप घी डालते हैं। ये होममेड घी है जो मैंने घर पे ही बनाया है। और अगर आपको भी जानना है कि हम अपने घर से दूर और दूसरी कंट्री में रहते हुए होममेड घी कैसे बना सकते हैं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमने 1/4 कप घी को गरम कर रहे हैं अभी हम। और इसमें हम 150 ग्राम वर्मसेली डाल रहे हैं, जो कि सवैयां हैं बारीक वाली। और इसको लो हीट पे, एकदम फ्लेम को हमें एकदम लो रखना है। लो फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से इसको हिलाते हुए अब इन रोस्ट करना है। मैंने रोस्टेड वर्मसेली ली है। अगर आप अनरोस्टेड लेते हैं तो उसको थोड़ा लंबे टाइम तक रोस्ट करना पड़ता है, पर इसको हम 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे तो रोस्ट हो जाएंगे। अभी हमारे सवैयों को भूनते हुए ऑलमोस्ट 2 मिनट हो गए हैं। देखिए अभी सवैयों का कलर है वो स्लाइटली गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसको हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या है, थोड़ा जल जाएंगी तो ये उसका टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, उसमें कड़वाहट आ जाएगी। तो मैंने इसको एकदम लो फ्लेम पे रोस्ट किया है। अगर आप चाहें तो मीडियम पे कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए। अभी अच्छी तरह से भुन गई हैं, तो अभी इसमें हम 1/4 कप शुगर ऐड करते हैं। अभी हम अच्छी तरह से इसको हिलाते रहेंगे जब तक कि हमारी चीनी है वो मेल्ट नहीं हो जाती। और अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। जो दूध हमने साइड पे रखा था, ये देखिए, ये है 1/2 कप। कर लीजिए ताकि जो दूध है वो अच्छी तरह से, मतलब सभी सवैयों को बराबर दूध मिले। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसमें अभी भी थोड़ी सी नमी बाकी है, तो हम इसको 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के रख देते हैं। अब इसमें देखिए आपको दिख रहा है कि भाप ऊपर आ रही है, तो हम इसको एक बार खोल के अच्छी तरह से हिला देते हैं फिर से। ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अभी भी इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर नजर आ रहा है, तो हम इसको सुखा लेंगे। अच्छी तरह से हिलाते हुए घी में जब सवैयां भुन रही हैं, अब तो इसमें इतना अच्छा
फ्लेवर आ रहा है। फिर से हम इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। देखिए अभी अच्छी तरह से ये रेडी हो गई है। अभी हम इसको साइड पे रखते हैं और इसके लिए अभी हम स्टार्ट करेंगे क्रीम बनाएंगे इसकी। तो अभी हमने गैस को बंद कर दिया और इसको हम दूसरे बर्तन में खाली कर लेते हैं। अभी हम पैन में आधा लीटर दूध डालते हैं। दूध को अच्छी तरह से उबाल लेंगे। जब ये दूध उबल जाएगा तब इसमें हम अपना, और जब तक ये हमारा दूध गर्म हो रहा है हम इसमें से थोड़ा दूध लेके एक बाउल में डाल लेते हैं। ये 100 ग्राम जितना दूध है। अब इस दूध में हम 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, 2 डाल रहे हैं और इसमें हम डाल रहे हैं राइस फ्लावर 2 टेबलस्पून। आप राइस फ्लावर की जगह पे कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। अब मेरे पास कॉर्न स्टार्च नहीं था तो मैं राइस फ्लावर ले रही हूँ। आप दोनों में से एक कोई भी ले सकते हैं। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। ये बहुत जरूरी है कि इसमें लम्स ना बने। अभी देखिए दूध अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अभी इसमें हम अच्छी तरह से हिलाते हुए एक आध से आप डालते रहिए और अच्छी तरह से आप मिक्स करते रहिए ताकि यहाँ पे भी इसमें कोई गांठे नहीं बने। तो हमने अपना जो मिक्स रेडी किया था कस्टर्ड पाउडर का, तो उसको हमने और गैस को एकदम लो कर दीजिए क्योंकि अभी इसके चलने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और इसको अच्छी तरह से हिला के और फिर से इसी बात का ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। थिकनेस आ गई है तो अभी आप इसमें आधा कप चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं चीनी की जगह पे इसमें कंडेंस मिल्क ले रही हूँ जिससे कि आपका जो ये सॉस जो बन के रेडी हुआ है वो और क्रीमी हो जाएगा और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये देखिए अच्छी तरह से ये तैयार हो गया है। इसमें कोई लम्स नहीं है। लम्स बनेंगे तो फिर वो बीच में कच्चे कच्चे गांठे सी अच्छी नहीं लगती हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि इसको फास्ट फास्ट हिला के अच्छी तरह मिक्स करें, इसमें कोई भी गांठ नहीं रहे। तो अभी ये देखो हमारा कस्टर्ड और राइस फ्लावर का मिक्स रेडी हो गया है कंडेंस मिल्क। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अभी अच्छी तरह से पक चुका है। तो अभी ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसमें अभी हम डाल रहे हैं हाफ टी स्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है।
अभी गैस को बंद कर दीजिए क्योंकि अभी ये रेडी हो चुका है और इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेते हैं। अभी घी में बूंदी हुई हमारी जो सेवइयां हैं वो ठंडी हो गई हैं, उसको हम थोड़ा हाथ से तोड़ लेते हैं ताकि इसको हम दूसरे प्लेट में अच्छी तरह से सेट कर सकें। आप स्पून से तोड़ सकते हैं लेकिन मुझे हाथ से जल्दी जल्दी हो जाता है, उतना टाइम नहीं लगता है, तो मैं हाथ से ही तोड़ रही हूँ। ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से जस्ट सेपरेट करना है। अभी हम इसको सेट करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी पसंद के अनुसार कोई भी बर्तन ले सकते हैं और उसमें आधी सेवइयां लेके उसको अच्छी तरह से फैला देते हैं बराबर। बर्तन पता नहीं इतनी आवाज क्यों कर रहा है, लेकिन ये देखो आप इतना थोड़ा दबा दीजिए ताकि हम जब इसमें बनाया हुआ क्रीम का मिक्स डालेंगे तो एकदम अंदर नहीं जाएगा, बीच में हमारी एक रहेगा। एक स्पून से अच्छी तरह से फैला देते हैं। ये अच्छी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, जो हमने कस्टर्ड का जो मिक्स बनाया है इसको थोड़ा और ठंडा होने दें ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। हम बची हुई सेवइयों को इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला फैला के डाल देते हैं। अभी हमने जितनी हमारी बची हुई हाफ सेवइयां थी उनको पूरी तरह से फैला दिया है और इसको बिल्कुल हल्का सा दबाना है। ज्यादा दबाओगे तो ये क्रीम के अंदर डूब जाएंगे, तो आपने इसको थोड़ा हल्का हल्के हाथों से थोड़ा सा दबा देना है। अभी इसमें हम डाल रहे हैं थोड़े से काजू। आपकी सेवइयां रेडी हो गई हैं, लेकिन हम इसको ठंडा सर्व करेंगे तो आधा एक घंटा इसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि इसके अंदर की जो क्रीम हमने जो रेडी की है वो एकदम सेट हो जाए। तो अभी हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। हमारी सेवइयां हैं जो वो सेट हो गई हैं, एक घंटा मैंने इसको फ्रिज में रखा था, अभी मैंने बाहर निकाल लिया है। तो अभी पहले इसको थोड़ा स्लाइस कर लेते हैं ताकि हमको इजी रहे सर्व करने में। आप अपने पसंद के अनुसार छोटे बड़े जितने जैसे पीस करना चाहें वैसे कर सकते हैं। एकदम हमारी सेवइयां अच्छी दिख रही हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं कि कैसी बनी है, तो ट्राई करते हैं इसका टेस्ट कैसा आ रहा है।
एकदम क्रिस्पी बनी है, टेस्ट क्रीमी बहुत ज्यादा है और इसमें कस्टर्ड का फ्लेवर आ रहा है और इलायची की खुशबू है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा टेस्ट।